एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और चलिए मैं आज आपको कुछ अलग ट्रिक दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिस्कवर 125 टी का है, तो इसके अंदर जो मैंने अभी, जैसे कि ये जो हमारा है क्या बोलता है हाउसिंग, ये दो टुकड़ा हो गया, इसको हम वेल्डिंग कराएंगे, इसके बाद फिर हम इस बाइक में लगाएंगे। ठीक है, जो अभी देख पा रहे हैं बिल्कुल दो टुकड़ा हुआ पड़ा है, लेकिन मेन रीज़न जो है आज मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये एक्सल है, जब हम इसको खोलते हैं तो इसके ऊपर फिर से जो होता है हमारा नट नहीं लगता है। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये नट होता है 24 नंबर का, इस पर हम लगाते हैं तो ये बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं चढ़ता है। तो हम इसको कैसे रिपेयर करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप हम आपको चलिए दिखाते हैं। तो हमारा क्या होता है, ये चीज़ हमारा जो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जो होता है, ये फैल जाता है इसका मुंह, इसीलिए हमारा ये नट जो है खोलने के बाद नहीं चढ़ता है। फिर हमें क्या है, ये हाफ एक्सल बदलना पड़ता है। तो अब ये क्या है, मुंह मैंने घिस दिया है, अब ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये चढ़ जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आ गया इसके अंदर। अब हमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके साथ अगर इस तरीके से हो, नट अगर बिल्कुल भी ना चढ़े, तो इस तरीके से ग्राइंडर से घिस कर उसके बाद आपको इस तरीके से लगाना है। इससे क्या होगा, आपका एक्सल जो है बदलने से रुक जाएगा, यानी कि बदलने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही रिपेयर हो जाएगा।